नगर पालिका के माजी सभापति और किरणपुरे के माजी नगर सेवक जनाब इब्राहिम भैया पटेल साहब, उनसे आज हालात हाजरा पे बातचीत करते हैं। सर, ये जो औरंगाबाद के नारेगांव शहर में महावितरण का जो मामला पेश आ रहा है और गरीब जनता जो त्रस्त हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में बोलने का क्या है, मैं कल जो है उसके ऊपर जो है मैं एक्शन लिया। मैं जो है महावितरण के जो मुख्य चीफ, औरंगाबाद शहर के मुख्य चीफ जो है खंदारे साहब, इनसे हमने 2 तारीख को निवेदन दिए और कल मैं खुद उनको मिला और उनको जो है नारेगांव के अंदर कनिष्ठ अभियंता मोरे नाम का जो अभियंता है उसके बारे में हमने शिकायत की और हमने उनको बताया कि इसको पहले सस्पेंड करो और उसके बाद इसकी इंक्वायरी करो। सस्पेंड इसलिए करो कि उसकी जो मनमानी है, गरीब एरिया है नारेगांव के अंदर जो है जो गरीब बस्ती है और उसका सुबह में 9 बजे से शुरू सुबह से शुरू हो जाता था उसका कार्यक्रम। मीटर निकाल के ले आना, मीटर फाल्टी है तुम्हारा, 15,000 रुपये दो और 5,000 में मांडोली, ये धंधा बहुत दिनों से चढ़ रहा था। मेरे कान पे शिकायत आई, मैं खुद गया नारेगांव के अंदर और वहाँ से लोगों से चर्चा की, लोगों ने उसकी बहुत कंप्लेंटें करी और हर टाइम मीटर देने को वही हाल उसका, हर टाइम सिर्फ माल होना। इसलिए हमने कल खंदारे साहब से जो है मिले और खंदारे साहब से हमने अपील करे कि भाई उसको जो है सस्पेंड करके इंक्वायरी करो। दूसरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक पॉलिसी है कि सोलर सिस्टम लोगों ने बिठाना चाहिए कि लाइट का जो सेक्शन है उसके ऊपर का लोड कम हो जाए। तो एक पार्टी ने नारेगांव के अंदर जो है सोलर लेने के लिए एप्लीकेशन की, महावितरण का जो है उन्होंने उसको मंजूरी दिए। मंजूरी देने के बाद जो प्राइवेट कंपनी जो भी थी उसकी, उसको उन्होंने सोलर सिस्टम उसको बिठा भी दिए। जब तुमने मंजूरी दे दिए, तुमने उसका 0 बिल करा के ले लिए सामने वाले पार्टी का, 0-0 करके उससे पूरे पैसे पेमेंट 55-56 हज़ार कुछ भर के ले लिए। अब उसके बाद में तुम्हारे को जो है देन लेन की जब बात आई तो वहाँ पे जो है तुमने उसको सीधा सीधा ऑफर कर दिए। अब सामने वाला बोले भाई मेरे को तुमने क्लियर टाइटल में दे दिए, मेरे घर पे सोलर सिस्टम फिट होगा तो मेरे कनेक्शन दे दो, नहीं बोले तुम्हारे भाई के ऊपर पीढ़ी है। तो ये कौन सा वसूल है कि एक भाई की वसूली दूसरे भाई से तुम करते? मैंने मोरे साहब से भी मिला जाके, तो मोरे साहब ने कुछ रिस्पॉन्स दिए नहीं, उन्होंने बोले नहीं। अच्छा, मैंने बोले ये कौन सा, मैंने तो ये बताया कि तुम्हारे भाई बाजू में रहते कहाँ रहते, तुम उनका बिल पेमेंट करेंगे क्या, तुम उनके पैसे भरेंगे क्या? तो उन्होंने कोई मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि तो उनको जो है ज़्यादा चर्बी चढ़ी हुई है मोरे साहब को, इसलिए हमने जो है उनके खिलाफ़ में मोर्चा खोला है। जब तक कोई सस्पेंड नहीं होंगे हम जो है कार्यक्रम लेते रहेंगे। 10 तारीख को जो है हमने डिविजनल महावितरण के जो है वहाँ पे 10 तारीख को ऑपरेशन लगा है, हमारा 10 तारीख को ऑपरेशन लगने वाला है, 10 तारीख के पहले उस पर कार्रवाई नहीं होंगी। भैया, ये ऑपरेशन की जो तैयारी है ये महावितरण पर करने वाले हैं? हाँ, महावितरण। और खाली मोरे साहब जब तक सस्पेंड नहीं होते? मोरे साहब की इंक्वायरी होना, हम एंटी करप्शन में भी मैं आज कंप्लेंट करने वाला है उनकी, कि उन्होंने जितने भी अवैध माल मत्ता जमा करे, उनके मकान, उनके खेती कितनी लिए, भाइयों के नाम पे क्या करे, सालों के नाम पे क्या है, उनके बीवी के नाम पे क्या है, चचा ताए के नाम पे क्या क्या खरीदी करे, मैं आज डिमांड करने वाला है, आज एंटी करप्शन में उनकी कंप्लेंट करने वाला है। इब्राहिम भैया पटेल, आप कांग्रेस के सक्रिय नेता है और आज जो यूपी में अवेसी साहब के परिवार पार्टी के अध्यक्ष उन पर हमला हुआ है, तो आप कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नजरिए से क्या देखते हैं इस बारे में? सबसे पहले मैं ये क्लियर करते चलूँ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये सब चीज़ों के ऊपर जो है इसका सबसे पहले जो हुआ वो गलत हुआ कि भाई नहीं होना चाहिए, कोई क्यों नहीं था, नहीं होना चाहिए, मगर अब नहीं मालूम वो क्या है, स्टंटबाजी है कि जो भी है, तो वो तो इंक्वायरी के अंदर आ ही जाएंगे, उसको पुलिस इंक्वायरी करेंगी उसकी, और नहीं होना चाहिए। अभी आपने नारेगांव का महावितरण का मसला बताया कि वहाँ अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी है, अधिकारी परेशान कर रहे हैं, तो नारेगांव में से बहुत से मसले हैं, उर्दू स्कूल के मसले हैं और दूसरे मसले मसाइल है, तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? हाँ, महानगर पालिका का एक स्कूल है वहाँ पे, मैं वो स्कूल को विजिट दिया, उसका भी प्रोग्राम जैसा ये प्रोग्राम हमारा चालू था, तो कॉरपोरेशन का एक स्कूल है, उसकी इतनी खस्ता हालत है, गरीब बस्ती है,
एक एक रूम के अंदर 50-50 बच्चे, जबकि 20 बच्चे होना ऐसा गवर्नमेंट के रूल्स है। और कॉरपोरेशन का स्कूल होने के नाते भी वहाँ पे जो है 50-50 बच्चे खोले अक्का में वहाँ पे, और बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। बच्चों को जो है पानी की तकलीफ है वहाँ पे, संडास बाथरूम के अंदर भी बहुत गलाजत है वहाँ पे, और बिल्डिंग जो भी है कॉरपोरेशन की बहुत खस्ता हालत है उसकी। इसलिए हम जो है मंगलवार को जो है उसको कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब को मिलेंगे उसके बारे में, और वो भी हम इंशाल्लाह नारेगांव का मसला हल करेंगे। एक तरफ भैया, एक तरफ देखा गया कि ऐसे कि भाई स्कूल के अंदर बच्चों को जाने नहीं दे रहे सरकार, कोरोना काल चालू है, और दूसरी तरफ जो है तो ये 50-50 बच्चे लेकर बैठ रहे हैं यहाँ पर, 50 बच्चे एक रूम में बैठना पड़ रहा, तो इसके बारे में भैया आगे का आपका क्या प्लान है सर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 50 बच्चे कोरोना बीमारी से डर रही, आप एक तरफ से बता दें कि भाई मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, और रोड के ऊपर 500-500 फाइन, आम जिंदगी में जो लोग जी रहे गरीब लोग हैं उनको परेशान कर रहे, और दूसरी बात दूसरे स्कूल के अंदर 50-50 बच्चे जो है आपके जो स्कूल में है, तो ये तो सरासर गलत बात है ना। इसके ऊपर कमिश्नर साहब ने ध्यान देना चाहिए, औरंगाबाद कमिश्नर साहब महानगर पालिका के। भैया एक बात और बताने की है कि आगे आप ऐसे जो है एकदम ग्राउंड लेवल के जो आंदोलन है आपने पैसे पहले से चलाते आए, तो क्या आगे भी आप जो है तो ऐसे और कौन से इसके बाद में कौन सा आंदोलन लेना चाहिए? देखो, कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक ही मिशन है कि गरीब लोगों को जहां आड़ी अड़चन आएंगी उनके खांधे से खांधा लगा के खड़े रहना, उनके परेशानी में खड़े रहना, और जहाँ जाए भी जो भी मसला होगा, किराड़पुरा हो, नारेगा हो, और शहर में कहीं भी हो, जहाँ भी जो भी मसला रहेगा हम बिल्कुल आंदोलन छेड़ेंगे और रोड पे आएंगे। रोड पे आते हैं, पहले से रोड पे आते, आज भी हम रोड पे आएंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। विनोद भैया, आपने अभी ये बताया कि नारेगा में बस अधिकारी 5,000 रुपये की मांडोली करते हैं, तो क्या आपकी नज़र में वहाँ के अधिकारी मुलाकी से भ्रष्टाचार में? तो वही उनके खिलाफ भी मुहिम है ना ये जो आंदोलन हुआ हो रहा है, ये जो उपोषण लगा है वरिष्ठ अधिकारी है बोल के आंदोलन लगा ना। और हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं कोई दलाल एजेंट नहीं है। अब वो मोरे साहब के हाथ के नीचे आए और दो चार एजेंट दलाल हो बेचारे मेरे को बोले कि भैया ऐसा मत करो, बहुत अच्छा आदमी है। मैं बोला क्यों, तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जा रही क्या? नहीं दिया मैंने जवाब। तो इसलिए वरिष्ठ अधिकारी है बोल के हमने आंदोलन छेड़े, और 10 तारीख को जो है डिविजनल महावितरण के सामने जो है उपोषण लगने वाला है। हमारा आखिरी सवाल है सर आपसे, महानगर पालिका में राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता आती है तो क्या आप मुस्लिम मेयर बनाने की मांग करेंगे क्या पार्टी में? देखो, ये तो खैर वक्त बताएगा, इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होने के बाद अभी कैसा है, पहले ही जो है कुछ भी बोल देना उसमें मजा नहीं रहता। सुनो मेरी बात है कि मांग करेंगे क्या? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो हमारा अधिकार है, हमारी पार्टी को बोलने का हमारा अधिकार है, वो बिल्कुल बोलेंगे, और पार्टी जो डिसाइड करेंगे और हम लड़ेंगे उसके वास्ते, पार्टी में भी लड़ेंगे। भैया कितने ये महानगर पालिका में ऐसा लगता है कि आपको कितने आप जो है तो नगर सब चुन के लाने के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कांग्रेस पार्टी की कैसा है मालूम, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि लोगों ने 5 साल के अंदर जो भी नगर सेवक चुन के दिए, आप सबको मालूम है हालत क्या है। आप जाओ अभी रोशन गेट से इधर आप आए तो पटेल होटल के उसका जो शरीफ कॉलोनी का है देख लो आप, मैं विरोधक है बोल के बता रहा ऐसा नहीं, हालत देखो रोड की। उसके बाद में इधर से बाजू में जो रोड है रोशन गेट से रोशन फंक्शन हॉल का, उसको जाके देखो आप, और शहर की पूरी शहर की हालत देखो, तो लोग जनता जो है ये लोगों को जवाब दे देंगे, हमारे देने की ज़रूरत नहीं है इनको। आज मेरे को बताओ, 9 दिन पानी है, नौ दिन हो रहे। मैं जब 2005 में 6 में मेरी भांजी थी, मैं था, 10 तक जो है हमारे को तीसरे दिन पानी था, दूसरे दिन एक दिन और पानी था, आज 9 दिन में पानी है। आज मेरे साथ चलो मेरे वार्ड के अंदर किराड़पुरा रमानिया कॉलोनी अल्तमस कॉलोनी ये एरिया के अंदर एक एक 600-600 स्क्वायर फीट की मकान है, इसमें 3-3 फैमिली रहती एक एक रूम के अंदर। एक रूम के अंदर अगर एक फैमिली रहती तो उन्होंने पानी कितना स्टॉक करना, कितने दिन रखना, उनके पास जगह कितनी है। 8 दिन अगर उसमें पानी रहेगा तो उसमें जंतु पैदा हो जाते। तो कमिश्नर साहब से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि पानी के ऊपर भी आप ध्यान दो। स्मार्ट सिटी बना रहे आप बहुत अच्छी बात है, मगर 9-9 दिन अगर पानी नहीं आता तो
गरीब ने जीना कैसा, उसके अंदर जंतु पैदा हो जाते। 8 दिन कोई भी एक अंदाजा लगाओ, एक हांडे में मटके में काय पानी काय भर के रखेंगे, अपना क्यों भर के रखेंगे। अगर 9 दिन में पानी आता तो पानी में कीड़े पैदा होते, उसके अंदर भी बीमारियाँ होती, तो उसके ऊपर भी जो है ध्यान देना चाहिए। और एक दिन आड़ पानी आना चाहिए। और जब हमारी सरकार आएंगी, हमारा जो भी रहेगा, हमारी महाविकास लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी जो भी ऊपर डिसाइड होगा, मगर कांग्रेस पार्टी का अगर सत्ता में आती है महानगर पालिका के अंदर, तो हम जो है एक दिन आड़ पानी देने का आज ही आश्वासन करते हैं। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के राज्यपाल औरंगाबाद में थे। हाँ। और वो उन्होंने ये गौर करे, यहाँ पर कुछ संगठना उन्हें उनके सामने ये बात रखी कि गवर्नर साहब यहाँ पर जो है तो 9 दिन के बाद पानी आता है, तो उन्होंने बोले ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, बोले ये हमारे महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है, बोले कि 9 दिन आज भी 9 दिन के बाद में पानी आता है। इसे क्या बोलेंगे सर? नहीं, सही बात है ना, उन्होंने क्या गलत बोले भाई? ये मुद्दा जो पानी का मैं तो पहले से ही बता रहा, और उन्होंने जो बोले भाई दुर्भाग्य, सही बात है, 9 दिन में अगर पानी आता है तो फिर ये तो कौन जिम्मेदार है इसका? सभी जिम्मेदार है ना, कॉरपोरेशन जिम्मेदार है इसकी। उन्होंने जो बोले गलत क्या है उसमें? 9 दिन में नहीं आता, हकीकत है वो। भाई आपका नाम बोलिए थोड़ा। मेरा नाम है इब्राहिम पटेल, औरंगाबाद शहर उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।